हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेस थ्योरम की एग्जांपल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने बेस थ्योरम को जाना कि बेस थ्योरम कब और कहां लगती है। अब हम उस बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको बेस थ्योरम का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल नंबर 18 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम से जो रिलेटेड है। तो हमारे पास बोला गया है, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एचआईवी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। मैं पहले सबसे पहले आपके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप कुछ बना देता हूँ। मीन्स हमारे पास यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, ये मैंने टोटल पॉपुलेशन लिख दी है, ठीक हो गया। अब ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एचआईवी है, जैसे यहाँ पे 0.1% लोग ऐसे हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, एचआईवी पॉजिटिव। अगर 0.1% लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो 99.9% हैं वो एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, वो 99.9% लोग एचआईवी नेगेटिव है, ठीक हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या बोला, अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में बोला ऑफ द पीपल हैविंग एचआईवी, जैसे ये लिए हमने, ऑफ द पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। इनका टेस्ट किया गया, मशीन ने जो टेस्ट किया यहां पर लिख देते हैं टेस्ट बाय मशीन ने टेस्ट किया। तो जो लोग एचआईवी पॉजिटिव पहले से थे 90% लोगों को मशीन ने बोला या टेस्ट ने बोला कि वो पॉजिटिव है, 90% मशीन ने भी बोल दिया है या टेस्ट ने भी बोल दिया है कि वो पॉजिटिव हैं। वैसे एक्चुअली में पॉजिटिव थे लेकिन टेस्ट के बाद उनमें से 90% लोग पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब अगर 90% पॉजिटिव है तो 10% लोग जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, एक्चुअली वो पॉजिटिव हैं लेकिन टेस्ट ने उनको डायग्नोज किया है या मशीन ने उनको डायग्नोज किया है कि वो नेगेटिव है। इसके बाद आगे बोला गया है 90% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एचआईवी नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोज्ड एज एचआईवी पॉजिटिव। अच्छा, ये तो अलग बात होगी ना, ये तो वो है हो कि जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या कर रहा है, 99% जज करता है कि वो नेगेटिव है एंड 1% जो है वो डायग्नोज करता है कि वो 1% जो है वो डायग्नोज पॉजिटिव करता है। ये किसके लिए कर रहा है? ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, जिनको एचआईवी नहीं है। जैसे ये बनाया मैंने, ये एचआईवी फ्री है लेकिन यहां पे भी हमने टेस्ट किया तो टेस्ट में कितने लोग उसने बोला कि नेगेटिव है, 99%, और 1% जो है वो पॉजिटिव बताया किसने, टेस्ट ने, उन लोगों में जो एचआईवी नहीं थे, ठीक हो गया। जो एचआईवी फ्री थे उनका टेस्ट किया गया 99.9% लोगों का, उनमें से भी 1% पॉजिटिव उसने बताए जबकि वो नहीं है एक्चुअली, और 99 नेगेटिव बताए। अब क्या कह रहा है, अब इसके बाद बोल रहा है फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, ये तो मैंने शुरू में लिख दी है, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1 हैव एचआईवी एंड 1% इज सिलेक्टेड। अब हम कोई एक आदमी को या एक पेशेंट को लेके चलेंगे और उसका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जो उसकी रिपोर्ट बताने वाला पैथोलॉजिस्ट है वो क्या बताता है, वो उसको पॉजिटिव बताता है, ठीक हो गया। हमें एक तो ये पता चल गया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, अब हमने ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली एचआईवी, मतलब टेस्ट ने बताया है कि वो एचआईवी है। इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए ए हो गया। अब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि एक्चुअली भी वो एचआईवी है, ठीक है। एक तो टेस्ट ने, एक पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन वो एक्चुअली भी एचआईवी है, तो इसका मतलब एक्चुअली भी एचआईवी है वो हमारे लिए ई1 हो गया, एक्चुअली एचआईवी नहीं है वो उसका ई डैश हो गया, या ई1 ई2 जो भी लेट करना चाहते हो, और जो पैथोलॉजिस्ट ने बताया वो हमारे लिए ए हो जाएगा। तीन चीजें लेट करनी होती है, सिंपल। फिर एक बार बता देता हूं कि हमें उसने एक आदमी बोला कि एक पेशेंट को लो, उसका टेस्ट करो, और पैथोलॉजिस्ट ने उसका टेस्ट किया और पॉजिटिव पाया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है लेकिन
एक्चुअली भी वो एचआईवी ही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन में से वो आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी एग्जांपल 18 है, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट ई डिनोट्स, ई किसको डिनोट्स कर रहा है, ई डिनोट्स द इवेंट दैट द पर्सन सिलेक्टेड इज एक्चुअली एचआईवी, ई डिनोट्स पर्सन सिलेक्टेड इज एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये हमारे लिए एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव है, तो वो तो मैंने बता ही दिया टोटल पॉपुलेशन का, ये हो गया हमारे लिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी साथ ही लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, 0.1% में है ये हमारे लिए। अगर ये हमारे लिए परसेंट में है तो हम परसेंट हटा देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक हो गया, तो 0.1% था, परसेंट हटाया, 0.1/100 लग गया परसेंटेज का, पॉइंट का भी हमने 0.1 का भी पॉइंट हटाया, तो नीचे 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो एचआईवी नहीं है वो उसके ऑपोजिट आ जाएंगे, या तो ये 99.9 इसी को ले लो, या इसको 1 में से माइनस कर दो, बात तो एक ही है। वो क्या आ जाएगा, एंड ई डैश डिनोट्स, ई डैश हमारे लिए क्या है, एंड ई डैश डिनोट्स द पर्सन सिलेक्टेड इज एक्चुअली नॉट एचआईवी, डिनोट्स पर्सन सिलेक्टेड is actually not HIV positive, means वो negative है हमारे लिए, तो उसकी probability क्या आ जाएगी, E dash, probability E dash आ जाएगी 99.9%। इसको जब percent हटाएंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, एक तो इसका decimal आ जाएगा 9 का, और एक हमारे पास 100 का percentage का, तो आ गया 999/1000। क्लियर हो गया। अब ए क्या डिनोट करेंगे, हम ए हम डिनोट कर लेते हैं कि एचआईवी टेस्ट जो हुआ है उस आदमी का, उसमें वो पॉजिटिव आया है, तो क्या लिखेंगे, लेट ए डिनोट्स एचआईवी टेस्ट इज पॉजिटिव, इज डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव, हमने सीधा लिख दिया पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें क्या कुछ मिला हुआ है, हमारे पास ए बाय ई मींस वो एचआईवी पॉजिटिव भी है टेस्ट से, और एक्चुअली भी एचआईवी है, ये देखिए एचआईवी भी है एक्चुअली, और वो टेस्ट ने भी बताया है, तो क्या आ जाएगा, 90/90%, दैट इज 90/100। क्लियर हो गया आपके लिए, ये 90/100 हो गया। सिमिलरली ए बाय ई डैश, इसका मतलब एचआईवी पॉजिटिव एक्चुअली तो है, लेकिन वो टेस्ट ने बताया है वो तो है, लेकिन वो एचआईवी फ्री है, तो फ्री में से पॉजिटिव लेना है, ये हमारा फ्री वाला है जिसको एचआईवी नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा हमारे लिए, वो 1% आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1%, दैट इज 1/100। क्लियर हो गया आपको। यहां पे क्या लिया हमने, एचआईवी टेस्ट ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, और एक्चुअली भी वो एचआईवी है, ये देखो एक्चुअली भी एचआईवी है और टेस्ट ने भी पॉजिटिव दी, तो 90%। दूसरे केस में एचआईवी पॉजिटिव तो है, टेस्ट ने रिपोर्ट बताई है, ये देखो टेस्ट था एचआईवी पॉजिटिव तो है लेकिन एक्चुअली नहीं है, तो यहां से लेंगे 1%। अब निकालना क्या था मैंने, कि एक्चुअली भी एचआईवी है और रिपोर्ट भी उसकी पॉजिटिव आई हुई है, तो फिर एक्चुअली भी एचआईवी है मींस ई बाय ए निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ई बाय ए, बेस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, ऊपर तो यही आ जाएगा, आपको पता है क्या लगाना होता है हमें, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाय ई, डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन, क्योंकि दो वेज ही है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाय ई प्लस प्रोबेबिलिटी दूसरी क्या आएगी, ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाय ई डैश। ठीक हो गया यहां पे। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, यहां पे लिख देंगे कि हमने बेस थ्योरम लगाई है और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ई कितना हमारे लिए, वो हमारे लिए है 1/1000 इंटू ए बाई ई, हमारे लिए क्या है 90/100, सेम डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 1/1000 इंटू 90/100, और दूसरा भी हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई डैश 999/1000
999/1000 इंटू इंटू क्या आना है, ए बाय ई डैश 1/100, 1/100। तो पांच जीरो इधर आ रही है, दोनों तरफ पांच पांच जीरो आ रही है, ऊपर भी पांच आ रही है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 50 दोनों का आ जाएगा और ऊपर भी वो कट जाते हैं दोनों के डिनोमिनेटर, तो हमारे लिए आ जाएगा 90/90+999। तो ये आ जाएगा 90 और इधर 1 ऐड किया 1089। अगर ये 9 के टेबल में हो रही है कटिंग तो आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए ऊपर तो हो रही है 9 10 90, नीचे 9 1 9, 9 2 नीचे भी हो रही है। तो यहां पे 10 आ गया, 9 1 9, 9 2 9, फिर 9 1 9, तो 10/121 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है। ये अगर हम ये वाला फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, अगर हम ऐसा फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 19। वो भी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कई बार हमें फ्लो चार्ट की इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो फिर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रब करके फिर मैं जल्दी से आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूं स्टूडेंट्स। क्या स्टेटमेंट है अभी पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स। देखिए हमारे पास एक फैक्ट्री है जो बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है और तीन मशीन्स हैं जो जिस पे बोल्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ए मशीन जो है वो 25% करती है, बी 35% करती है और सी जो है वो 40% करती है। अगर हम इनका टोटल कर लें तो ये 100% बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया ये हमने कौन सी मशीन, ये जैसे हमने शुरू में बोला था कि हमारे पास अगर दो बैग्स हैं, एक E1 एक E2, इस तरह से ये हमारे लिए तीन आउटकम्स हैं जिसमें से हमने चूज करना है कि आपके बोल्ट मशीन ए ने बनाए हैं, बी ने बनाए हैं या सी ने बनाए हैं। तो इसका मतलब ये शुरू वाला आ गया केस और तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ठीक हो गया। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, यहां पे तो दी हुई है 25%, 35% एंड 40%, तो इसमें 1/3 लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या बोला गया इसके बाद, ऑफ देयर आउटपुट्स 5.4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये ए मशीन जो है 5% डिफेक्टिव बनाती है, बी 4% एंड सी 2% बनाती है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। हमने बताना है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, वो आ चुका है डिफेक्टिव बोल्ट, हमारे पास परसेंटेज दे दी हुई है कि इतने परसेंट डिफेक्टिव है, लेकिन हमने ये बताना है कि वो मशीन बी ने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब बेस थ्योरम लगेगी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेना मशीन्स को, ठीक है। एबीसी में रहने दो, चाहे आप चाहे E1 E2 E3 ले लो, जो मर्जी ले सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लेट E1 डिनोट्स बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, ठीक हो गया। फिर उसी तरह से E2 डिनोट्स बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, एंड तीन है, एंड E3 डिनोट्स बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ये हो गया हमारे लिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी E1 हमें कितना दिया है, 25%। तो परसेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो 100 लगा के। सेकंड जो है हमारे पास मशीन बी, वो बनाती है 35%, तो 35/100। एंड थर्ड हमारे पास है E3, 40% है, तो 40/100। तो हमें क्या बोला गया है, हमें सभी की बोल्ट की जो डिफेक्टिव बोल्ट्स जो मशीन्स बना रही हैं एबीसी, उनकी परसेंटेज भी दी हुई है। तो इसका मतलब हमने लास्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो जो हम ए लेट करते हैं वो क्या करेंगे, डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक हो गया। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एंड ए डिनोट्स बोल्ट इज डिफेक्टिव, ये हमने लेट कर लिया है डिफेक्टिव। अब जब आपने ये लेट कर लिया है तो आपको क्या ये गिवन है, ए बाय E1, बिल्कुल गिवन है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि पहली जो मशीन है वो 5% डिफेक्टिव बना रही है, तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। दूसरी मशीन जो है आपके पास वो डिफेक्टिव बना रही है, उसके लिए हमें परसेंटेज दी हुई है 4%, और थर्ड के लिए 2%। 4% है तो 4/100, और तीसरी मशीन डिफेक्टिव बना रही है 2%, तो 2/100। हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है कि मशीन बी ने डिफेक्टिव बनाया, तो मींस हमें प्रोबेबिलिटी मशीन बी ने बनाया, बी मशीन को हमने E2 लेट किया है, तो E2 बाय और डिफेक्टिव को A किया हमने, ये निकालेंगे। फॉर्मूला लगा दो बेस थ्योरम का, तो क्या लगेगा, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A बाय E2, नीचे तीन वेज है हमारे पास तो तीनों ही लग जाएंगी, प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A बाय E2, एंड थर्ड हमारे पास है प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E3। अब स्टूडेंट्स बस आपका एक काम है कि आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो प्रोबेबिलिटी E2 हमारे लिए कितना, 35/100, एंड A बाय E2 कितना है, 4/100। ये डिनोमिनेटर में भी एज इट इज आएगा और बाकी भी आएंगे। क्या आया हमारे पास, E1 की है 25/100 इंटू 5/100, सेकेंड तो एज इट इज ऊपर वाला ही आएगा 35/100 इंटू 4/100, प्लस लास्ट की कितनी थी, 40/100 इंटू 2/100, तो ऊपर से कितना आ गया, 35 को 4 से करेंगे तो 140 आ जाएगा, ये 140 आ गया। चार जीरो सभी में आ रही हैं डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाले के डिनोमिनेटर कॉमन निकाल कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर कट जाएगा। नीचे क्या आया हमारे पास, 25/5 = 125, और यहाँ पे 35/4 = 140 फिर, और 42 = 80, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 140 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 125, 140 और 80 है, तो 140 + 80 = 220, 220 में 125 ऐड किया 320, 345 ठीक हो गया, तो ये आ गया 345। 5 के टेबल में कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 45, 8 = 40, और डिनोमिनेटर में 5, 6 = 30, 5, 9 =, तो ये आ गया 28/69। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। इस तरह से ये हमने क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 20th भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 20th काफी ईजी लगेंगे, जैसे जैसे आप ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जाते जाएगा, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते जाओगे या क्वेश्चंस की, तो आपका बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और स्टूडेंट अक्सर इसका हमेशा ही 100% चांस होते हैं कि इसका क्वेश्चन बेस थ्योरम में बोर्ड पेपरों में आना होता है, ठीक है, तो बोर्ड पेपरों में ये आता है, तो इसलिए इस पर काफी फोकस रखना आपने। अब आया एग्जाम्पल नंबर 20, क्या बोला गया है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर है मतलब विजिट करने जाता होगा अपने पेशेंट को, या अब भी जाना होगा, तो उसका एक्सपीरियंस पास एक्सपीरियंस क्या बताता है, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन बस स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर, उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, चार वे से जाता है, या तो वो ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, या कोई और वे से, ठीक है, तो इनकी हम लेट कर लेते हैं, लेट E1 डिनोट्स, E1 क्या है हमारे लिए, डिनोट्स डॉक्टर विजिट द पेशेंट, डॉक्टर कम्स बाय, पहले कौन सा दिया हमें, पहले हमें दिया हुआ है कम्स बाय ट्रेन, फिर E2 दिया हुआ है डिनोट्स डॉक्टर कम्स बाय बस, और फिर दिया है E3 डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर, एंड E4 दिया है डिनोट्स डॉक्टर कम्स बाय अदर मीन्स, ये हो गया हमारे पास, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, कितनी कितनी दी हुई हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए है 3/10, E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/5, E3 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, एंड E4 की प्रोबेबिलिटी है 2/5, क्लियर हो गया ये आपको, ये सारी वेज आ गई हैं। अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल लेट, वो लेट हो रहा है, किस किस वे से जा रहा था ये आपको मैंने बता दिया है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है उसकी लेट होने की अगर वो ट्रेन से जाता है,
1/3 है अगर वो बस से जाता है एंड 1/12 है अगर वो स्कूटर से जाता है। लेकिन अगर वो किसी और वे से जाता है, ट्रांसपोर्ट के किसी और वे से, तो उसकी लेट होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब उस केस में प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, ए डॉक्टर विजिट द पेशेंट लेट। ए डिनोट्स डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट लेट, लेट की प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट पहुंचता है। तो ए हो गया हमारे लिए, तो ए बाय ई वन सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/4। ए बाय ई टू वो हमें दिया हुआ है 1/3। ए बाय ई थ्री 1/12 एंड चौथे से कोई वे नहीं है दी उसने कि लेट होता ही नहीं है वो, तो ए बाय ई फोर वो जीरो ले लेंगे हम। ठीक हो गया। अब हमने क्या बताना है कि वो अगर लेट हो चुका हुआ है, ठीक है, लेट हो गया हुआ है, तो बताना है कि किस वे से गया था जिससे वो लेट हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो बोल रहा है व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, पीछे को जा रहे हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब E1 by A निकालना हमें, क्लियर। तो वो लेट हो चुका हुआ है लेकिन बाय ट्रेन से गया, ट्रेन से था, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, E1 by A। तो लगाइए बेस थ्योरम, अब तो आपको समझ आ चुकी हुई है, ऊपर E1 आएगा, A by E1 आ जाएगा साथ में, और डिवाइड कर देंगे जितनी हमारी टोटल वेज है। तो प्रोबेबिलिटी E1 A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 A by E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 A by E3 एंड प्रोबेबिलिटी E4 A by E4। तो ये हमारे लिए हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं। इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है, ये हमारे लिए 3/10, A by E1 1/4, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा पहले, तो 3/10 into 1/4 प्लस E2 की 1/3 1/5 into E2 था A by E2 1/3, फिर 1/10 into 1/12 and 2/5 into 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां पे आ गया 3/40, ऊपर तो 3/40 आया, डिनोमिनेटर में भी इधर से 3/40 आया, इधर आ गया 1/15 और इधर आ गया 1/120, ये तो 0 है। अब अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लो तो कितना आएगा, 120, 15 एंड 40, ये सब किस में आ रहे हैं, 120 के टेबल में आ रहे हैं। तो 120 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का, 3/40 डिवाइड बाय 120, तो 120 को 40 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 3 9, फिर 15 से किया, 120 को 15 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, और जब 120 को 120 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमारे लिए क्या आ गया, ऊपर आ गया 3/40 और 120 ने टॉप पे चले जाना है, और ये जो ऐड हो जाएंगे 9 8 17 एंड 1 18, तो ये देखिए 3 पे चला गया, 3 6 हो गया, 3/6 कितना हो गया, 1/2, ठीक हो गया। तो हमारे लिए हमारा आंसर 1/2 आ गया हुआ है कि वो लेट हो चुका था और वो बाय ट्रेन गया था तो वो लेट हुआ है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है 1/2। क्लियर है क्वेश्चन आपको, इस तरह से हमने अपने बेस थ्योरम के क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 21, पेज नंबर 555, NCERT क्लास 12। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको, पहले ये वाली चीज रब कर देता हूं इधर से। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारे पास, अब इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमें बोला है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, मतलब 4 में से 3 बार वो क्या करता है, वो सच बोलता है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, एग्जाम्पल नंबर 21, अगर वो 4 बार फेंकता है तो 3 बार सच बोलता है, इसका मतलब वो एक बार क्या करता होगा, एक बार वो झूठ बोलता होगा, तो उसकी जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है
वो कितनी आ गई, वो 3/4 आ गई है, और झूठ बोलने की 1/4 हो जाएगी। इसके बाद बोला है ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ सिक्स। उसने डाइस फेंका और क्या बोला कि 6 आया है। इसका मतलब सच भी हो सकता है झूठ भी, पर सच की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ सिक्स, एक्चुअली 6 भी आया है। ठीक है, तो एक्चुअली जो 6 आया है वो हमारे लिए क्या हो गया, जो हम लेट करेंगे E1 E2। और उसने क्या रिपोर्ट किया है, उसने तो यही बोला है कि एक्चुअली इट्स अ सिक्स। तो अब देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लेट करना। देखिए दो चीजें लेट करेंगे, एक तो इसमें ये लेट करेंगे कि हमारे पास 6 आया है, ठीक है, वो हमारे लिए ए हो गया, और E1 E2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, 6 अकर्स, या E2 आ जाएगा 6 डज नॉट अकर्स। ये दो केस बनेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ सिक्स, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या लेट करना। पहले पहले लिखेंगे लेट E1 डिनोट्स 6 अकर्स एंड E2 डिनोट्स 6 डज नॉट अकर्स। एंड ए क्या लेना था हमें, ए डिनोट्स मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स, मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स। चलिए अब पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 6 अकर। 6 आने की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में क्या होती है आपको पता है, सैंपल स्पेस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। यहां पे लिख देता हूं, ये डाइस की सैंपल स्पेस आ गई 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, सिंपल। E2 6 डज नॉट अकर, तो 6 छोड़ के बाकी सब कुछ, 6 को छोड़ेंगे बाकी 5 बच जाएंगे, तो 5/6 ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, अब हमने निकालना था प्रोबेबिलिटी A/E1। ए क्या बोला मैंने, मैंने बोला है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। तो 6 आया है तो इसका मतलब उसने सच बोला है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 3/4। देखिए ध्यान दीजिए, ए क्या था, ए हमारे लिए था कि उसने बोला है कि 6 आया है, और E1 क्या है, वो भी हमारा 6 अकर्स है, तो इसका मतलब आदमी की सच बोलने की फिर यही प्रोबेबिलिटी थी ना, सच वाली लगाएंगे। क्योंकि ए क्या है, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, मैन रिपोर्ट्स, आदमी ने बोला है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सच की प्रोबेबिलिटी लगानी है, वो लगा दी हमने। और दूसरे केस में आदमी ने तो बोला है 6 अकर, लेकिन आया थोड़ी है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, 6 नहीं आया, तो उस केस में 1/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया, ये हम खुद भी निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे निकाली है, ये तो दी हुई थी, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं 3/4 को, तो हमारे पास 1/4 आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन में कि एक्चुअली या सिक्स, एक्चुअली या सिक्स मतलब ये देखो 6 अकर्स, तो E1/A निकालना है। ठीक है, आदमी ने भी यही रिपोर्ट किया और एक्चुअली 6 आया है, तो E1 लिखेगा, बेस थ्योरम लग जाएगी, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 into प्रोबेबिलिटी A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 into प्रोबेबिलिटी A/E2। वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें, प्रोबेबिलिटी E1 है 1/6, A/E1 कितना है 3/4, डिवाइड बाय 1/6 3/4, प्रोबेबिलिटी E2 कितनी है 5/6, ये 3 बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 5/6 into A/E2 1/4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/24। कटिंग नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे भी सेम एलसीएम आएगा, मोस्टली हम एलसीएम सेम रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 5/24 नीचे आ गया 8/24, तो 24 से 24 डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो हमने किया है एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट होगी हुई है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 13.3 का क्वेश्चन। 13.3 का क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर आपने बताना है कि इसमें बेस थ्योरम लगनी है या कोई और कंसेप्ट लगेगा। एक्सरसाइज 13.3,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला इसमें हमें, एन अर्न कंटेन फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। हमारे पास एक अर्न है, एक बैग है, ये हमने बना लिया। उसमें हमने क्या बोला है कि हमारे पास फाइव रेड है और इसमें हमारे पास फाइव ब्लैक भी है। ठीक हो गया। यहां पे आगे हमें बोला गया है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। हमने उसमें से बॉल एक निकाला और निकालने के बाद हमने उसका कलर नोट कर लिया है। ठीक हो गया। हमने उसमें से एक बॉल निकाला और उसका कलर नोट कर लिया, एंड रिटर्न टू द अर्न, उस अर्न में वापिस डाल दिया वो कलर देख के। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जब हमने वो बॉल देखा, देख के वो वापिस डाल दिया, उसके बाद उसके साथ की दो बॉल्स और अर्न में डाल दिए। तो बताना हमें ये है, क्या बताना है, क्या बोला था, मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद फिर हमने बॉल निकालनी है, दो डालने के बाद, एक तो पहले निकाली थी, एक दूसरी फिर निकालेंगे। तो हमने बताना है कि जो सेकेंड बॉल है वो आपकी रेड कलर की आई है। इसका मतलब पहली बार रेड भी हो सकता है, पहली बार ब्लैक भी हो सकता है। अगर पहली बार हमने बॉल देख के वापिस डाल दी, ब्लैक थी, तो ब्लैक बढ़ जाएंगी उसमें, क्योंकि जो कलर देखा है वही बॉल्स डालनी, उसी कलर की बॉल्स डालनी है, तो ब्लैक बढ़ जाएंगी। और अगर हमने रेड देख के उसमें वापिस डाली है, बॉल डाल दिए, तो दो रेड डालेंगे, फिर रेड बढ़ जाएंगी, उसके बाद हमने सेकेंड बॉल रेड निकालनी है। तो इसका मतलब आप इसमें कुछ लेट कर लोगे। लेट करिए इसमें, सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट इवन, लेट इवन हमारे लिए क्या आ जाएगा, इवन डिनोट्स ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ। एंड ई टू क्या चीज है, ई टू हम लेट कर लेते हैं, ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट थ्रो, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकती है, जैसे मैंने बोला है फर्स्ट ड्रॉन, फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है ना, पहले ड्रॉ में या तो रेड आएगी या हमारी ब्लैक आ जाएगी। अब हम क्या लेट कर लें, एक और, अब हम एक और चीज लेट कर लेते हैं, वो क्या है कि रेड बॉल इज फर्स्ट ड्रॉन। अगर हम लेट ही ये कर लें कि हमने रेड निकाल ली है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आर वन अगर हमारे लिए फर्स्ट रेड आ जाए, पहले हमने यहां पे ब्लैक ली थी, अब हम फर्स्ट रेड ले लेते हैं, मतलब ई वन हमारे पास आ गया, बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉन। एक मिनट स्टूडेंट, अभी हम करते हैं इसको, क्या आएगा हमारे लिए, हमारे लिए आ जाएगा कि हमने जो ये इवन लेट किया है, ये हमने ली है ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ। ठीक हो गया हमारे पास। इस तरह से हमने ई टू लिया हुआ है, रेड बॉल इज इन द फर्स्ट, और इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं ई थ्री, वो क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, क्योंकि दूसरी तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि दूसरी तो रेड ही निकलनी है, दूसरी का ब्लैक का तो मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये केस बन जाएंगे, और लास्ट में हमने निकालनी भी कौन सी है वो आपने पढ़ लिया है कि सेकंड हमने रेड बॉल निकालनी, कहां से निकालनी है, क्या बेस थ्योरम लगेगी या टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। देखिए उसने ये तो बोला नहीं है कि दो अर्न है, अर्न तो एक ही है, इसका मतलब बेस थ्योरम का मतलब ही नहीं है यहां पे, इसका मतलब यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। ठीक हो गया। तो हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रेड, जो सेकंड बॉल निकालनी है वो किस तरह से निकलेगी, वो हमारी निकलेगी प्रोबेबिलिटी यहां पे फर्स्ट रेड और फिर सेकंड रेड, मतलब प्रोबेबिलिटी E2 इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरी क्या आ जाएगी, E3। ठीक हो गया। हमने यहां पे प्रोबेबिलिटी E2, E3 निकालनी है, और साथ में हमारे पास और क्या केस हो सकता है, और केस ये हो सकता है कि अगर पहली बार ब्लैक आ गई लेकिन दूसरी बार तो हमने रेड ही निकालनी है, दूसरी बार तो रेड ही निकालनी है और वो हमारे लिए E3 आएगी। देखिए क्या किया हमने, अगर पहली बार रेड निकली है तो श्योर है कि दूसरी बार भी रेड निकलेगी, तो E2 हमारी रेड डिनोट कर रही है, E2 निकाल ली, E3 भी रेड आएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास फर्स्ट बॉल हमारे पास ब्लैक आई है लेकिन श्योर है कि सेकंड रेड आएगी,
सेकेंड रेड हमारे लिए E3 डिनोट कर रही हुई है। ठीक हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, और है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे E2 इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी E2, जब E2 निकल गई है फिर हमने कौन सी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी E3 बाय E2। ये हो गया हमारे लिए केस। इंटरसेक्शन लगा लो ना लगाओ एक ही बात है, और है तो प्लस, इधर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E3 बाय E1। अब मैं आपको यहां पे बॉल्स बना के दिखा देता हूं कैसे कैसे बनेंगी। देखिए यहां पे मतलब है प्रोबेबिलिटी E2, E2 है रेड बॉल इन द फर्स्ट थ्रो, तो हमने जब रेड निकाली तो हमारे लिए रेड कितनी है 5, और टोटल कितनी है ये, अब हमारे लिए यहां पे अभी तक टोटल 10 है, तो आ जाएगा 5/10। ठीक हो गया। इसका मतलब कि हमने रेड बॉल देखी, हमने पहली बार में रेड बॉल देखी और हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो बैग में डालनी कौन सी है, बैग में तो रेड ही डालेंगे, तो अगली बार रेड कितनी हो जाएंगी, अगली बार रेड 7 हो जाएंगी। देखिए हमने रेड जब देख ली तो 5 में 2 रेड बढ़ जाएंगी और टोटल में भी 2 बढ़ जाएंगी, वो 12 हो जाएंगी, और रेड हमारे लिए 7 हो जाएगी, ब्लैक उतनी ही रहेगी। इसका मतलब E3 हमारे लिए क्या है, सेकंड रेड बॉल। अब हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी 7/12 आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको। दूसरे पार्ट में जहां पे E1 हम निकाल रहे हैं वो है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल जब हमने निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 आ गई, क्योंकि शुरू वाली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग वाली। स्टार्टिंग में हमारे पास ब्लैक बॉल्स 5 थी, टोटल तो 10 ही थी। अब मैंने ब्लैक बॉल देखी, उसी को बैग में डाला, 2 बॉल्स, तो बड़ी कौन सी है सेकंड केस में, इसमें ब्लैक बढ़ गई हैं 2, यहां पे रेड बढ़ी थी, और सेकंड केस में 5 में 2 डालेंगे तो 7 ब्लैक हो जाएंगी, तो इसका मतलब रेड नहीं बढ़ेंगी, लेकिन निकालनी तो रेड ही है, तो रेड कितनी थी, वो थी 5, और टोटल तो 12 हो गई हैं, वो तो हमारे पास बड़ी ही बड़ी हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 35/120 प्लस 25/120 विच इज इक्वल टू 60/120। कटिंग करेंगे तो हमारे लिए हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं बस, फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास शुरू में 5 रेड बॉल थी और 5 ब्लैक बॉल थी, तो टोटल हमारे पास 10 बॉल थी। इसका मतलब एक ही अर्न है, बेस थ्योरम तो लगनी नहीं है, बात खत्म हो गई। उसने बोला है कि सेकंड बॉल जो आपने निकालनी है वो रेड निकालनी है। सेकंड बॉल रेड कब निकलेगी, पहली बॉल कौन सी निकालेंगे, ये हमें नहीं बताया। अगर हमें, अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगानी है, सोचना है कि अगर पहली बॉल ब्लैक हो है हमारे पास, अगर पहली बॉल ब्लैक है हमारे पास तो हमने वो देख के बैग में वापस डाल दी, टोटल बॉल 12 ही रहेगी, 5 ब्लैक और 5 रेड, लेकिन 2 और उसी कलर की डालनी है, मींस ब्लैक डाल देनी है, तो ब्लैक 7 हो गई, टोटल 12 होगी, ये जो मैंने लिखा है। तो इसका मतलब अगली बार निकालनी तो रेड थी, टोटल तो ब्लैक बढ़ी है और टोटल बॉल्स भी बढ़ गई हैं, लेकिन रेड नहीं बढ़ी हैं, इसका मतलब रेड 5 ही रही, टोटल बढ़ गई हैं, ये देखिए 12। और दूसरे केस में हमने क्या किया, रेड बॉल पहली बार में निकाली और निकाल के रेड की प्रोबेबिलिटी लिख दी 5/10, रेड देखी, रेड की 2 और डाल दी तो रेड बढ़ गई, ये देखिए मैंने लिखा था रेड बढ़ गई, 7 हो गई, टोटल भी बढ़ गई, वो 12 हो गई, तो निकालनी भी रेड ही है, इसीलिए 7/12 हमने केस लिख दिया यहां पे। इसको चाहे आप पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। हम पहले कोई भी बॉल निकाल सकते थे, बाद में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रोसेस लगाया और हमारे पास आंसर 1/2 आ गया हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया हो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।